हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही हेल्दी और मिनटों में बनने वाले मेवा के लड्डू। क्योंकि वैसे तो मेवा खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लड्डू बना लेंगे तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाना पसंद करेंगे। और इन लड्डुओं में हमने ना तो शक्कर डाली है और ना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, चलिए वीडियो में आके खुद ही देख लीजिए। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। तो मेवा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गैस पर फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे कम से कम 100 ग्राम के करीब अखरोट और 100 ग्राम के करीब ही हम इसमें डाल देंगे बादाम और 100 ग्राम के करीब हम इसमें डालेंगे काजू। जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और 25 ग्राम के करीब हम ले लेंगे पिस्ता। तो पिस्ता हमें यहाँ कम यूज़ करना है, ज़्यादा हम पिस्ता का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बादाम, अखरोट और जो काजू की मात्रा है वो हम बराबर रखेंगे। और इसे हम धीमी आंच पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच के करीब आप इसमें देसी घी डाल लीजिए। तो इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे। तो ये भून चुका है तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। और उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब पम्पकिन सीड, जिसको कि हम कद्दू के बीज भी बोलते हैं, और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे सनफ्लावर सीड। और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनको भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो ये भी अच्छे से भुन चुका है तो हम गैस को बंद कर देंगे और सारी मेवा को हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि जितनी भी हमने ये मेवा भून के रखी है हमें इसको पीसना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। तो चलिए अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, तब तक हम इसके आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कम से कम 300 ग्राम के करीब खजूर लिए हैं, जिसको कि हम डेट्स भी बोलते हैं, और इसके जो अंदर का बीज होता है इसे हमें निकालना है। तो हम एक बीज में कट लगा लेंगे और इसे हम निकाल देंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि हमें इसे पीसना आसान हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा इसको हमें पीसना होता है। और बिना आप इसके बीज निकाले पीसेंगे तो आपका जो ग्राइंडर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जितने भी हम खजूर यूज़ कर रहे हैं उन सबके बीजों को याद से ज़रूर निकाल दें। और इसके जो ऊपर की जो कैप होती है इसको भी हम हटा देंगे। तो पीसते समय एक एक खजूर को ज़रूर देख लीजिए कि कहीं एक भी बीज रह तो नहीं गया है, क्योंकि अगर एक भी बीज रह जाएगा तो आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जितने भी हम खजूर इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि पीसना हमें आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो चलिए अब इसको हम पीसते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है, तो जितना भी हमने खजूर काट के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो खजूर को पीसते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मिक्सर ग्राइंडर को लगातार नहीं चलाएंगे, केवल इसको हम 2 से 3 सेकंड तक चलाएंगे और बीच में रोक देंगे। और इसे हम रुक रुक कर ही पीसेंगे, क्योंकि खजूर को पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, चिपचिपेपन के कारण ये जार में चिपकने लगता है। तो थोड़ा आप इसको रुक रुक कर ही पीसिए, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। तो खजूर हमारा पिस गया है। तो अब इसके बाद में जो हमने मेवा को भून के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप पहले ही खजूर के साथ में मेवा डाल देते हैं तो इसको पीसना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ये ज़्यादा ही आपको दिक्कत दे रहा हो तो आप खजूर डालते समय इसमें मेवा भी ऐड कर दीजिए, जिससे कि पीसने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे दरदरा पीसना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पीस लीजिए। तो चलिए अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इन लड्डुओं को बनाना इतना आसान है कि आप इसे कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें गेहूं के आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं के आटे को भूनने में थोड़ी सी मुश्किल आती है और समय भी लगता है। तो अब इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच के करीब, और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। तो देसी घी डालना ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब किशमिश ली है, जिसको कि मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
जिससे कि जितने भी हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है और जो किशमिश डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन लड्डुओं को बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत आसान तरीके से बंध भी जाते हैं, क्योंकि जब हम गेहूं के आटे के लड्डू या फिर सूजी के लड्डू बनाते हैं तो बनाते समय खुलने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो हम थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और उससे हम गोल गोल घुमाते हुए लड्डू की शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना के तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो लीजिए, सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। तो मेवा के लड्डू हमारे बनके तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी। इसमें हमने ना तो शक्कर डाली है और ना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। बिना शक्कर, बिना गुड़ के और बिना मिश्री के हमारे जो लड्डू हैं वो बनके तैयार हैं। तो आप भी इसे एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।